भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है एक नई मंजिल की ओर। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत बन गया है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये नए भारत और उसकी बढ़ती ताकत का है प्रतीक। IMF का भी है अनुमान, 2026 तक भारत बनेगा $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश। वाहन बाजार में भी भारत की रफ्तार से पीछे छूटा जर्मनी। भारत बन गया है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार। भारत ने 2021 में 37.6 लाख वाहन बेचे, जबकि जर्मनी में 29.7 लाख वाहनों की ही बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में भारत अग्रणी देश के रूप में उभरा है। इन उत्पादों के निर्यात में अप्रैल अगस्त 2021 के मुकाबले उसी अवधि में इस वर्ष 17% की वृद्धि हुई है। चरणबद्ध विनिर्माण से मोबाइल उद्योग हो गया है $36 बिलियन का। इतना ही नहीं, 2021-22 में भारत का दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरना भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। साफ है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्त चाल के बीच भारत ने थाम ली है तेज अर्थव्यवस्था की मशाल। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उभरा है वैश्विक विकास के दिशा निर्देशक के रूप में।